हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर विंडो 10 में आपका डेट और टाइम चेंज करना नहीं आता है तो यह वीडियो उसी के लिए जो आप डेट और टाइम चेंज करना नहीं कर पाते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का निशान दबाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विंडो 7 रहे या विंडो 8 रहे या विंडो 10 रहे, तीनों का डेट और टाइम का जो सेटिंग होता है कोने पर भी यहाँ दिया हुआ रहता है। और आपको कोई दिक्कत होता है, चेंज नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेट और टाइम चेंज करने के दौरान देखिए, आपको कुछ कुछ जैसे कि मान लीजिए कुछ आप वैसे कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं, अगर आपका डेट और टाइम गलत होगा तो फिंगरप्रिंट जो है वो काम नहीं, एकदम नहीं काम करेगा अगर सिस्टम है। या फिर आप टाइम गड़बड़ा के देख सकते हैं, टाइम को आप चेंज कर दीजिए और आपका फिंगरप्रिंट या फिर कोई ऐसे नेटवर्क चलाइए, देखिए आपका नहीं चलेगा इसमें, ऐसे भी हो सकता है। तो जब तक टाइम सही नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा कुछ कारण हो सकता है जो आप पता नहीं चलेगा कि लाइक क्या सिस्टम है, क्या दिक्कत है जिसके कारण से हमारा ये खुल नहीं रहा है। नहीं तो आप फिंगरप्रिंट आप बे टाइम पे इस तरह क्लिक करके और फिंगरप्रिंट को आप चला के दिखाइएगा तो ये ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से जो 3 डॉट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, इस डेट और टाइम पर इस डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ले जाके फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर ले जाके जो डेट और टाइम का जो कोने पे दिखाई दे रहा है तो इस पे जाके राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट नहीं बल्कि राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए एडजस्ट डेट एट टाइम लिखा हुआ है, एडजस्ट और टाइम जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक कर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए एक ऑटोमेटिक जोन है। तो ऑटोमेटिक जोन करने से क्या होता है कि आपका जो जैसे ही आपका नेट कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये टाइम मिल जाएगा, ठीक ना। अगर आपका नेट कनेक्ट है लैपटॉप में तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा, और अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं है तो आपको देखिए यहाँ डेट और टाइम जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ ऑप्शन जो टाइम जोन है, देखिए यहाँ पे टाइम जोन जो लिखा हुआ है आपको यहाँ UTC 5:30 जब 5:30 जैसे लिखा हुआ है, चेन्नई कोलकाता मुंबई, आपको इसी को रखना है, ठीक ना। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो ऑफ है तो इसको ऑन कर देंगे तो इससे क्या आपको ऑटोमेटिक जो आपका टाइम है ये मिल जाएगा, ठीक ना। इससे आपका यही फ़ायदा होगा कि कहीं कुछ काम करते हैं तो आपका काम इस तरह नहीं होता है, किसी आप फिंगरप्रिंट आपको एग्जांपल के तौर पर बताए थे या फिर और भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है तो आप टाइम यहाँ से मिला सकते हैं। उसके बाद देखिए स्कैनिंग जो है यहाँ से भी मिला सकते हैं, यहाँ से स्कैनिंग नाउ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम पूरा मिल जाता है। और इसमें देखिए टाइम अधिकतर जैसे कि डेस्कटॉप में देखते हैं बैटरी लगा हुआ रहता है, तो लैपटॉप तो हम खोल के देखे नहीं है कि उसमें भी बैटरी सिस्टम है कि नहीं है। तो लैपटॉप में तो बैटरी है ही, बड़ा बैटरी है तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, लेकिन डेस्कटॉप में भी एक छोटा सा जो गोल टाइप का जो बैटरी होता है उसमें डेस्कटॉप में जो भी रहता है मदरबोर्ड में लगा हुआ, लैपटॉप में तो बड़ी बैटरी है तो अलग से बैटरी हमको लगता है उम्मीद नहीं लगता है कि उसमें अलग से कोई बैटरी लगा होगा टाइम में। तो इससे होता है कि कभी कल आप देखिएगा डेस्कटॉप में कि आप पूरा डेस्कटॉप पूरा खोल भी दीजिएगा, पीसी जो होता है तो डेस्कटॉप जिसे बोलते हैं तो उसे खोल भी देंगे तो आपका टाइम ना ऑटोमेटिक मिला हुआ रहता है। क्या कहता है कि वही जो बैटरी रहता है उससे टाइम मिला हुआ रहता है, एकदम फिक्स है, वो चलते रहता है घड़ी। अगर वही बैटरी खोल देंगे बड़ा बटन जैसा रहता है तो आपका टाइम गड़बड़ा जाता है। तो उसका ज़्यादा दाम नहीं है, 20-25 रुपये दाम है डेस्कटॉप में, वो बैटरी चेंज कर सकते हैं अगर टाइम बार बार गड़बड़ा जाता है, ऑफ करते हैं ऑन करते हैं। और लैपटॉप में तो ऑटोमेटिक कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर बैटरी खोलते हैं तो ऑटोमेटिक ऐसे लगाइएगा और जो जैसे भी तो नेट कनेक्ट कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर मैंने बताया कैसे टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।